गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज लास्ट लॉन्च और लास्ट अनवील ऑफ द ईयर इज द किया सोनेट फेसलिफ्ट, और ये रही गाड़ी आपके सामने दैट वी आर शोइंग यू राइट अवे। अब ये इसका एक्स लाइन है विच इज द टॉप ऑफ द लाइन वर्जन। तो यू विल नोटिस कि यहाँ पे मैट कलर में दिया गया है, बट ग्रे कलर मैट जो हमने ऑलरेडी सेल्टॉस में भी देखा है। सो नाउ लेट्स लुक एट द एंटायर कार। ओवरऑल फ्रंट ग्रिल का पैटर्न काफी हद तक सिमिलर है, बट यू विल नोटिस यहाँ पे एक कैमरा आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे अब आपको 360 कैमरा भी ऑफर किया गया है। अगर हम इसके हेडलैम्प्स देखते हैं, यू विल नोटिस द डिजाइन हैज चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। आपके जो DRLs है वो इधर नीचे तक आ जाते हैं, दे हैव एक्सटेंडेड, एंड ये स्टाइलिंग कहीं ना कहीं एक न्यू एलिमेंट दे रहा है। आई फील ये कहीं ना कहीं मुझे 300 का थोड़ा बहुत याद दिलाता है, बट या इट लुक्स प्रीटी नीट। यहाँ पे आपके पास नीचे लाइट दी गई है विच इज सॉर्ट ऑफ योर फॉग लैम्प, एंड ओवरऑल एक बार राइड में देख लो, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल हैज चेंज्ड हियर इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। जो बोनेट है उसमें ज्यादा एलिमेंट्स में चेंजेस नहीं किए गए, बट व्हाट यू विल सी इज दिस पार्ट वेयर चेंजेस हैव हैपेंड प्रीडोमिनेंटली। अब यहीं अगर हम इसका साइड प्रोफाइल देखें, नाउ बिकॉज दिस इज अ फेसलिफ्ट, यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। ऑन द साइड प्रोफाइल एलिमेंट ऑफ द कार वैसे ही है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 16 इंच के टायर्स। देखिए टायर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप इसी से आता है। नो ग्रिप मींस नो परफॉर्मेंस, और कहीं ना कहीं सेफ्टी भी हो जाती है कॉम्प्रोमाइज। देखिए हर एक SUV होना चाहेगा मेरे को अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिले, बट क्या आप जानते हैं आपकी SUV उतनी ही केपेबल है जितने की उसके टायर्स। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ अपोलो के एप्टेरा क्रॉस टायर्स, जो आपको देते हैं बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग बिना कॉम्प्रोमाइज किए टायर की माइलेज पे, एंड इवन ऑन द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द टायर। आई लाइक द अग्रेसिव स्टाइलिंग ऑफ दिस टायर्स, एंड आई लाइक द फैक्ट कि ये टायर्स को स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है कि वो कंप्रेशन को हैंडल कर पाए इवन अंडर प्रेशर। सिंपल भाषा में बोलूँ तो ये आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्ट देते हैं इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी। यहाँ अगर आप देखेंगे तो किया ने भी अपोलो के टायर्स ही इस्तेमाल किए हैं। ऑलराइट, नाउ मिरर के नीचे यू नोटिस देयर इज अनदर कैमरा, दैट मींस इस गाड़ी में 360 कैमरा आपको मिलेगा। एंड एज वी मूव टूवर्ड्स द बैक, यहाँ पे भी डिजाइन एलिमेंट्स में चेंजेस किए गए हैं। यू विल सी कनेक्टेड टेल लैम्प्स। तो पहले टेल लैम्प्स जो थे देवर कनेक्टेड, बट ये पैटर्न में चेंज आ गया है, और ये अब किया में हम काफी हद तक सिमिलर देख रहे हैं ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में। कैरेंस में भी ऐसे आ गया, सेल्टॉस में भी ऐसे आ गया, एंड दिस एलिमेंट हैज बिकम बिगर। अब जो सेल्टॉस में आपने नोटिस किया कि किया की बैजिंग यहाँ पे आती है इन द सेंटर, और वो राइट ऑन द टेल लैम्प आती है, यहाँ पे वैसे नहीं किया गया। इसका अगर मैं बूट खोल के आपको दिखा दूं, सो बूट स्पेस में बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बूट स्पेस छोटा किया गया है, बट लेट्स से इट्स नॉट इवन लेस देन, मतलब पहले 392 लीटर्स का आता था, नाउ इट्स जस्ट रिड्यूस विद इन 10 लीटर्स, ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। मैं आपको इंटीरियर में बताऊंगा ऐसा क्यों किया गया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैक सीट ऑफ द कार। ओके, सो यहां पे ओवरऑल आपके पास डिसेंट इनफ स्पेस है एट द बैक, हेडरूम अच्छा खासा है, बट जो नी रूम है इज ओके। मैं एक काम करता हूं, मैं फ्रंट सीट को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता हूं, सो यू कैन गेट अ बेटर आइडिया। सो फ्रंट सीट मेरे हाइट के हिसाब से यहां एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, ये रहा, दिस इज परफेक्ट फॉर मी। ओके, अब यहां पे आते हैं सेकंड रूम में प्रॉपरली। हेडरूम अच्छा खासा है, नी रूम अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे पैर ऑलमोस्ट टच होते हैं एटलीस्ट लोअर पार्ट पे, बट यहाँ पे इट इज डिसेंट इनफ इन टर्म्स ऑफ स्पेस। दूसरी चीज है, आपके पास यहाँ AC वेंट्स है, रियर AC वेंट्स, दो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं यहाँ पे, और फोन रखने की जगह दिएगी। ये आपका एयर प्योरीफायर है जो फिलहाल ऑफ था, स्विच इट ऑन फॉर यू टू सी दिस, दिस इज ऑल्सो क्वाइट ईजी एंड कॉम्पैक्ट टू ऑपरेट। ओके, आपके पास यहाँ मिल जाता है एक आर्मरेस्ट अच्छा खासा बड़ा सा, सारे 3-point सीट बेल्ट दे दिए गए इस गाड़ी के अंदर। ओके, एंड अगर आप इसका डोर देखेंगे गाड़ी का, सो यू विल नोटिस कि यहाँ पे सनब्लाइंड आ गया है, एंड यू ऑल्सो गेट एवरीथिंग बिकॉज दिस इज एक्स लाइन, तो यहाँ पे आपके पास ग्रे कलर की स्टिचिंग भी आ गई है। चलो नाउ आई विल शो यू द फ्रंट इंटीरियर ऑफ द कार। अगर हम गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड देखते हैं, यू विल नोटिस कि काफी सारे एलिमेंट्स यहाँ चेंज हुए, कुछ कुछ मेंटेन हुए पहले की तरह। स्टार्ट करते हैं विद द स्टीयरिंग व्हील।
आपका जो स्टीयरिंग व्हील है यहाँ पे कंट्रोल्स हैव गॉन अबाउट नॉट मेनी चेंजेस ऑन दिस साइड, बट ये साइड आपको अब एडास आ गया है, सो यू गेट ऑल द एडास कंट्रोल्स ओवर हियर. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाड़ी का कंप्लीटली चेंज हो चुका है. आई मीन द स्टाइलिंग इज क्वाइट सिमिलर, बट जो एलिमेंट्स है वो बदल गए हैं, तो आपको एडास के एलिमेंट्स भी यहाँ मिल जाते हैं. ओके, टच स्क्रीन, ये टच स्क्रीन 10.2 इंच 2.5 इंच की जो थी पहले वही कंटिन्यू हो रही है गाड़ी में, इसमें ज्यादा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है. टच एंड फील इसका काफी अच्छा, रिस्पांस भी काफी बढ़िया है, सो इन दैट एस्पेक्ट इट्स प्रीटी गुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. हाँ, इसमें आपको मूड लाइट आती है, तो जैसे ही आपका म्यूजिक चेंज होता है वैसे ही आपका एम्बिएंट लाइटिंग भी गाड़ी का चेंज होते रहता है. आपके जो एसी कंट्रोल्स है यहाँ पे, दे हैव गॉट सम माइनर ट्वीकिंग ओवरऑल. अगर आप देखते हो तो ये बटन की स्टाइलिंग चेंज हो गई है, एंड ऑफकोर्स आपको 360 कैमरा मिल जाता है. तो इफ आई प्रेस दिस यू कैन सी इट हियर, तो जो सेल्टॉस का 360 कैमरा क्वालिटी है वही यहाँ पे भी बरकरार है. दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग प्रीटी नीट, ओवरऑल क्वालिटी अच्छी लग रही है. वी विल एक्सपीरियंस इट लेटर इन डिटेल, वी विल टेल यू मोर. सो ड्राइविंग मोड्स आ जाते हैं आपको यहाँ पे, ट्रैक्शन मोड्स आ जाते हैं, एंड यू ऑल्सो गेट वेंटिलेटेड सीट फॉर द फ्रंट टू पैसेंजर्स, जो यहाँ कंटिन्यू हो रही है. नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है स्मार्टफोन के लिए, और ये अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज टू एक्चुअली कीप इट कूल. तो यहाँ से इट कीप्स ऑन वेंटिलेटिंग इट टू कीप इट कूल. और नीचे जाओगे तो 12 वोल्ट का पॉइंट है, एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, और एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, फोन रखने की इधर जगह दी गई है. अदर एलिमेंट्स ऑन द कार इज दैट आपको ऑटो डे एंड नाइट मिरर मिल गया है इस गाड़ी के अंदर, एंड अगर हम सनरूफ देखते हैं तो इसको रेगुलर साइज का सनरूफ दिया गया. यू डोंट गेट अ पैनोरामिक सनरूफ, यू गेट अ रेगुलर साइज सनरूफ. अब यहाँ इंजन की अगर मैं बात कर लूँ, तो आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है विद 5 स्पीड मैनुअल, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल आता है विच इज 6 स्पीड मैनुअल IMT एंड 7 स्पीड DCT, एंड तीसरा आता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन विच इज 6 स्पीड मैनुअल IMT एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ऑप्शंस. अब इस गाड़ी की जो बुकिंग्स है 20 दिसंबर को खुलने वाली है, सो दैट इज व्हेन यू विल गेट ऑल मोर डिटेल्स. अब अगर आपका सवाल ये आता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं, बिफोर आई गेट इनटू द वर्डिक्ट, मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ कि आप अपोलो के एप्टेरा टायर्स एक बार चेकआउट कीजिए. मैं उनकी लिंक छोड़ रहा हूँ आपके लिए इन द डिस्क्रिप्शन. ये एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ SUV टायर्स अवेलेबल कराए गए हैं, दीज आर समथिंग यू शुड चेक इट आउट. लिंक छोड़ रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू इन द डिस्क्रिप्शन. लास्ट एंड फाइनल थिंग, क्या आपको सोनेट लेना चाहिए नहीं, मेरे हिसाब से इट्स अ वन ऑफ द मोस्ट फीचर रिच कार्स इन द कैटेगरी, तो दिस इज वन ऑफ द चॉइसेस यू शुड लुक एट. हमारा रिव्यू आपको मिलने वाला है इस गाड़ी का इन फर्स्ट 10 डेज ऑफ जनवरी. बुकिंग्स तो अभी खुलने वाली है, लेकिन डिलीवरीज नेक्स्ट ईयर ही होने वाली है. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ. अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे अपनी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पर जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं. जी हाँ, अब आपको करना क्या है, सिर्फ चले जाइए motorrockin.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिल अप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए विद एन एक्सपर्ट. इट्स एज सिंपल एज दैट. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे, वरना आप मिस कर रहे बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना पहुंचाते. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय.